नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों पर। कानपुर में देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान में घुस गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक नशे में था। घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में एक फौजी नशे में धुत पुलिस के साथ जमकर बदसलूकी की है। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का कोशिश की तो पुलिसकर्मी पर फौजी ने हाथ उठा दिया है। फिलहाल फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में यूपी स्थापना दिवस पर एक निजी चैनल ने ठंड में कपकपाते बच्चों की खबर चलाई, जिसके बाद कानपुर बीएसए ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके चलते पत्रकार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मेरठ में दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर एक महिला की उसके भतीजे ने ही चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले का खुलासा करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर चार दुकानों से दवाओं के सैंपल लिए। दुकानदारों द्वारा बिल नहीं काटने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद दुकानदारों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। ड्रग इंस्पेक्टर हिमैन चौधरी ने बताया कि दुकानदारों द्वारा कम बिल काटने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत पर कस्बे में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया है और दुकानदारों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। कानपुर देहात में एक माँ बाप ने अपने चार मासूम बच्चों पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। माँ बाप और बच्चों को कानपुर के हेलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि स्थानीय बीजेपी नेता कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहा था और पीड़ित परिवार कब्जा नहीं होने देना चाहता है। अधिकारी पीड़ित परिवार की सुन नहीं रहे हैं, लिहाजा आज निर्माण कार्य रुकवाने को लेकर सब परिवार आग लगा ली। फिलहाल अधिकारी इस मामले में अब जांच करने की बात कह रहे हैं। और वहीं हाथरस में नामी मोबाइल कंपनी के टावरों पर नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, 28 ज्वाइनिंग लेटर और नकदी जब्त की। उत्तर प्रदेश के इटावा में भंडारा खाकर लौट रही 10वीं की छात्रा का आधा दर्जन कार सवार दबंगों ने अपहरण कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आनन फानन में छात्रा को कार से लेकर जा रहे अपहरणकर्ताओं की कार अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गई। स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। हादसे में अपहृत छात्रा समेत दो अपहरणकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि तीन आरोपी सुरक्षित नदी से बाहर निकाले गए। फिलहाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।